ताबीज़ी ये क्या है? ये जिन्नों के जहन्नुम का दरवाजा है जो खुल चुका है, अगर खुल चुका है तो बंद भी हो जाएगा। रोशनी, ये बंद नहीं होगा। इसमें से एक जिन बाहर आ चुका है और जहन्नुमों के जिन बहुत ही ताकतवर होते हैं। वो कितना ताकतवर है वो तो बात की बात है, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। और कैसे? इसे फॉलो करके। यहां तो कुछ भी नहीं है। जहन्नुम के जिन बहुत शातिर होते हैं। आई एम श्योर वो हमें इस पानी के जरिए मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। हम उसे यहां ढूंढ रहे हैं और जरूर वो घर के अंदर होगा। हो सकता है हमें उसे अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। तुम्हें लगता है कि जिन पानी में छुपा होगा? शायद। बाजीगर की अमीफा। अल्लाह, ये अरे ये तो लाश है। चुकर बेबी, जिंदा भी तो हो सकती है। इसकी सांसें चल रही हैं। लेकिन कोई पानी में इतनी देर जिंदा कैसे रह सकता है? पानी में इंसान जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जिन पानी में जिंदा रह सकते हैं, और ये लड़की एक जिन है। रेहान, इसे अंदर लेके जाओ। जी। दादी, इसकी भोली भाली शक्ल पे भरोसा मत कीजिएगा। जो लोग शक्ल से बहुत मासूम होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा शातिर होते हैं। वेरी ट्रू। वैसे इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शायरी ने बिल्कुल सही कहा, जैसे वो स्पाइडरमैन की फूफी, उनके भी ना हाथी के दांत थे, खाने के कोई और दिखाने के कोई और। के दांत कहाँ थे? मुहावरा है। ये जिन्नों के जहन्नुम से आई है,
इसे कमजोर समझना हमारी बेवकूफी होगी। अमन रेहान, की अमीफा सबसे पहले हमारे लिए ये पता लगाना जरूरी है कि ये कौन है और यहाँ क्यों आई है। मुझे तो लगता है कि ये उस दरवाजे से आई है जो फ्रिज में से होकर खुलता है। क्या जमाना आ गया है, पहले फ्रिज में से आइसक्रीम निकलती थी, अब जिन निकल रहे हैं। चुप कर बेबी। मेरे ख्याल से ना जब तक ये बेहोश है हमें इसकी पावर्स का पता लगा लेना चाहिए ताकि जब ये होश में आए और कोई मुसीबत आए हम इसका मुकाबला कर सके। उससे पहले हमें फ्रिज का कुछ करना होगा। और अच्छे से कीजो। अरे उठा लीजिए ना, कितना शोर कर रहा है। एटलीस्ट इसमें शीला की जवानी नहीं बज रहा। हाँ क्योंकि हर किसी का टेस्ट क्लास ही नहीं होता। हाँ तुम्हारी तरह। हाँ ऑब्वियसली। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। हाँ शीला अब। हाँ खन्ना। हाँ मैं ऑफिस नहीं आ रहा, तुम ऐसा करो फाइल्स घर पे ले आओ। भैया तुम मैंने कहा था फोन उठाओ। इसे बंद करने से जिनों के जहनों का दरवाजा बंद नहीं होगा। बस इतना जरूर होगा कि जिन कुछ वक्त के लिए इस रास्ते से बाहर नहीं आ पाएंगे। बस ताबीजी ये तो समझ में आ गया कि ये लड़की जिनों के जहनुम से आई है, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे घर में क्यों रुकी है। यहां से भाग भी तो सकती थी। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है अमन। बस इतना जरूर जानती हूँ कि काले जिन की मौत ने जिन्हों के जहनुम का रास्ता खोल दिया है और उसे बंद करना बहुत जरूरी है वरना कयामत आ जाएगी। अमन मैं इसमें शायद आपकी मदद कर सकती हूँ। सच? वो कैसे? मैंने ना एक अच्छे जिन के बारे में सुना है जो हमारी मदद कर सकता है। मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो पता लगाओ। हाँ कर दीजिए। अब हंस क्यों रहे? मैं बस पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि अरमान के अंदर कौन सी पावर्स है। इसमें पता करने वाली क्या बात है? जिन्नात के बादशाह का बेटा है, जिन वाली पावर्स होंगी। एक मिनट, ये ना मेरा भी बेटा है और मैं आयाना हूँ। इसके अंदर आयाना वाली पावर्स है और इसके डोले देखिए कितने स्ट्रॉन्ग है। रोशनी आप कहना क्या चाह रही है? हमारा बेटा अपने हाथों में क्लिप्स लेके घूमेगा। अरमान विद क्लिप्स? बिल्कुल भी नहीं। अरमान का नवाजी का राज चुका है, उसके हाथ में उसकी मैजिक वॉन्ड होगी। एक सेकंड, उससे क्या फर्क पड़ता है कि इसके हाथ में क्या हो? इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है और इसके सीने में एक फरिश्ते का दिल धड़क रहा है।
इसके अंदर आया ना बाबा से। बेबी एक बार कोशिश कीजिए, ऐसी करिए। अच्छा तो देख लेते हैं कि मैं सही हूँ या आप गलत। ना आप सही और ना मैं गलत। मुझे पता है इसकी डोले स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर आया ना पावस है। तो फिर आज फैसला हो जाए। हो जाए। सोच लीजिए आप हार जाएंगे। चैलेंज।